इमोशनल रेजिलियंस की जरूरत हमको पड़ती है, राइट राइट फ्रॉम स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स टू द बिग इंसिडेंट्स दैट कीप हैपनिंग इन आवर लाइफ, इज़न्ट इट? राइट फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट टू द बिग इंसिडेंट हैपनिंग इन आवर लाइफ, छोटी छोटी बातों पे, टूथब्रश सुबह नहीं मिल रहा है, जगह पे नहीं है, तो भी उसमें हमारा दिमाग सटक सकता है, इज़न्ट इट? एंड समथिंग मेजर हैपेंड, जैसे अभी ये महामारी चल रही है, इज़न्ट इट? This pandemic that is going on, people have become so emotionally turbulent. Say emotions ka tufaan chal raha hai. Economy has got totally paralyzed. So many things are going wrong, right? So, aise mein fir apne emotions ko hum kaise handle kare? Hamare emotions hi humko handle karte ja rahe hain. Ye reverse karna zaruri hai. कि हम हमारे इमोशंस को कैसे हैंडल करें, इज़न्ट इट? तो कैसे होगा ये? हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल आवर इमोशंस? इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इज़न्ट इट? तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको इमोशंस चाहिए ही नहीं, क्योंकि इमोशंस नेगेटिव भी होते हैं, इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं, राइट? पॉजिटिव इमोशंस तो सभी को अनुभव करने ही है, तो यहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी आ ही गया, इट इज द लॉ ऑफ नेचर. और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस बुरे हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हमें बहुत कुछ देते हैं. जैसे खुशी आप में विस्तार लाती है, यस एक्सपैंड्स यू, वैसे आप देखोगे सैडनेस गिव्स यू डेप्थ, दुख आपके जीवन में गहराई लाता है. जिन्होंने कभी दुख अनुभव भी नहीं किया, आप देखोगे उनकी पर्सनैलिटी में एक मजबूत सक्षमता नहीं होती. Isn't it? When you have experienced, gone through some tough times, you have gone through some sad times, that have given so much strength to your character. जितनी विपरीत हो जाती है परिस्थिति, उतना हमारे भीतर के जो गुण हैं, उनका विकास होने लगता है. Isn't it? मुझे अभी भी याद है, मुझे तभी WhatsApp का जमाना नहीं था. Emails पे jokes, stories, ये सब emails पे आता था, जैसे अभी WhatsApp पे आता है. और उसमें एक स्टोरी थी कि एक एक व्यक्ति गार्डन में वॉक ले रहा था और उसको एक तितली नजर आई. नहीं, तितली नहीं, उसको एक क्या बोलते हैं उसको, मॉथ जो होता है ना, वो जो कीड़ा होता है, तो वो ककून के अंदर होता है, बराबर, और वो ककून से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है. तो उसको लगा, अरे बेचारा इतना स्ट्रगल कर रहा है, इसका काम आसान कर देते हैं, राइट? तो उसने क्या किया, उसके पास एक छोटा सा सीजर्स था, उसने सीजर्स से वो बहुत ही हल्के से ककून को काट दिया, ताकि वो जो अंदर जो कीड़ा था वो बाहर आ सके. उसको लगा कि वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, वो जो कीड़ा था वो ककून से बाहर आने पर उसके पंख तैयार हो जाने थे और वो उड़ सकता, अब वो उड़ ही नहीं पाया, वो बस ककून से बाहर निकला और वो गिर गया. तो सृष्टि ने ये जो बनाया था, ये सृष्टि की रची हुई डिजाइन थी एक्चुअली, कि वो जो प्रयत्न करेगा, वो स्ट्रगल करेगा, ये क्या मैं अंदर पकड़ गया हूं, जकड़ गया हूं, यू नो, वो जब स्ट्रगल करेगा उससे बाहर निकलने का, तो उसमें उसके बॉडी में कुछ प्रक्रियाएं शुरू होंगी, जिसके वजह से उसके पंख तैयार होने शुरू हो जाएंगे, और वो पंख तैयार हो जाएंगे, फिर जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो उड़ सकेगा. सो इट नेवर बिकेम अ बटरफ्लाई एंड इट कुड नेवर फ्लाई इन इट्स लाइफ, बट जस्ट इमेजिन हैड इट गॉन थ्रू दैट स्ट्रगल, वो कष्ट अगर उसने पूरा किया होता तो आज वो उड़ सकता हो जाएंगे, जैसे वो बाहर निकलेगा, isn't it? तो अभी ये उसका उड़ना ही बंद हो गया. A complete new dimension to the life of that creature was lost because it was deprived of the process it was supposed to go through, isn't it? You know,
I was just reading the story of the late Pandit Bhimsen Joshi. Pandit Bhimsen Joshi, Panto gaye Pandit, lekin bachpan mein, right from his 4 years, 5 years, that age, सिंगिंग के प्रति उनकी ऐसा खिंचाव था ना उनको, लेकिन उनको घर में घर पर से परमिशन नहीं मिलती थी. एट द एज ऑफ 11, एट द एज ऑफ 11, जस्ट इमेजिन, 11 साल का लड़का, तो कुछ में घर में कुछ तो झगड़ा हो गया, तो उन्होंने उस मौके पे चौका मार दिया, फायदा उठा लिया और वो अपने घर से भाग निकले. और तीन साल वो ऐसे ही कहीं कहीं भटकते रहे. पहले नॉर्थ इंडिया में भटकते रहे, फिर पुणे पहुंच गए. और वो 3 साल, मतलब आप सोचो कैसे इमोशंस के थ्रू 11 साल का लड़का, 11 से 14 साल की उम्र में वो किस तरह के इमोशंस से गुजरे होंगे. घर का कोई नहीं है, यू नो, चाइल्ड ऑफ 11 इयर्स, 12 इयर्स नीड सो मच ऑफ पेरेंटल अटेंशन एंड केयर. और ऐसे टाइम पे कोई नहीं था उनके साथ. एंड आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड. ये तो मुझे पता था वो घर छोड़ के भाग निकले थे, लेकिन आपको पता है मतलब ऐसे कितने दिन गए हैं उनके लाइफ में. एक तो उनको संगीत का रियाज करना था, वो गुरु की तलाश में थे 3 साल. और ऐसे कितने दिन गए उनके जीवन में जब उनको खाना तक मिलता नहीं था, तो क्या करते थे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं कहीं बस स्टेशन पे, रस्ते पे, यू नो, ही फाउंड अ पर्सन हु टोल्ड हिम, आई विल हेल्प यू, बट यू हैव टू सिंग फॉर मी. तो वो गाना गाते थे, he used to keep singing, and then that person used to give him food. और ऐसे उनका जीवन निर्वाह चलता, that is how he survived. Then eventually, when there is such intensity, इतनी आपकी तीव्रता हो, तो सोचो कैसे emotions के through हो गए होंगे. Lata Mangeshkar, you know, who say like, and she's like an incarnation of goddess Saraswati, you know, Saraswati Mahi unke through gaati hai. 7 years, different music directors, composers, studios, you know, they kept rejecting her. Just imagine 7 years, Lata Mangeshkar ko bhi reject karte ja raha hai. Kya hua hoga, unki manasthiti kaisi hui hoga, right? So there are people who have gone through tough emotional times, and we have to learn from them. And हम सबके जीवन में ऐसे कितने सारे अनुभव हैं कि हम उस emotions के through गए हुए, right? So what is the 7-point recipe for a bulletproof emotional resilience? ऐसा emotional stability आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 7-point recipe मैं आपको देने वाला हूँ. This is very important, people. मेरे लाइफ का सार मैं आपको बताने वाला हूं, राइट? और मैंने जो भी मेरे गुरु श्री श्री रविशंकर जी से सीखा है, जो भी मेरे इतने सारे मेंटर्स रहे हैं मेरे लाइफ में, उनसे जो सीखा है, राइट, जो मैंने मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, जो मेरे घर के लोगों ने, जो मेरे दोस्तों ने इंप्लीमेंट करता हुआ मैंने देखा है, आज उसका सार मैं आपको बताने, 7-point रेसिपी आपको बताने वाला हूं. उसका एक एक पॉइंट आपको हेल्प करेगा. Nitin, are you there to show the slides? Yeah, I think Nitin Bhaiya is not here. Okay. Bruma email at message. Because then Bruma, you can message your you send me an email from your email ID. I will email you the slides. Okay, sure, I'll do it. Salipu@gmail.com. Just an email below. I'll email you the slides later. So, these 7 points, we say first 3 points are the 3-point action formula. Karna kya hai? Karna kya hai? Right? And the next 4 points is the knowledge formula. Kya gyan humme hona chahiye? Right? So, 3 points as the action formula and 4 points as the knowledge formula. And this 3+4, this 7-point, it makes a complete formula for having that bulletproof emotional resilience. Aisi sthirta aayegi, hai na? Ki koi bhi paristhiti hila nahi sakti, right? So the first step, right? Acceptance,
एक्सेप्टेंस, स्वीकार। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कोई भी नेगेटिव इमोशन आती है, गुस्सा आता है, दुख होता है, हमें जलसी होती है, हमें किसी के प्रति नफरत है, कुछ भी है, हमें क्या लगता है, हमको ये इमोशन नहीं चाहिए, हमको ये इमोशन नहीं चाहिए। ये जो हम नकारते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले तो आप इसको स्वीकार करो, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बी रेडी टू गो थ्रू दैट इमोशन, बी रेडी टू एक्सपीरियंस दैट इमोशन, राइट? यू नो व्हेन द नाइट इज एट इट्स डार्केस्ट पॉइंट, when the night is at its darkest point, what is the indication? The dawn is near, isn't it? जब रात पूरी गहराई में जा चुकी हो तो इसका अर्थ क्या है, संदेश क्या है कि सूर्योदय होने वाला है, सुबह होने वाली है, right? So पहले तो आप अपने emotions को पूरी तरह से स्वीकार करो, point number one, accept, right? अच्छा, अभी जो रेजिस्टेंस है ना आपका, पहले तो इसको ड्रॉप करो। एक्सेप्ट कैसे करेंगे, जो रेजिस्ट आप कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव इमोशन को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप इसको पहले ड्रॉप करो। आई एम नॉट गोइंग टू रेजिस्ट दिस नेगेटिव इमोशन, इफ इट हैज टू कम टू मी लेट इट कम टू, राइट? तो ये फाइट और फ्लाइट में नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू फाइट विद योर नेगेटिव इमोशन, यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम योर नेगेटिव इमोशन। हम क्या करते हैं, हम एस्केप रूट्स ढूंढते हैं कि ये झंझट ही ना हो। चलो तो कहां भाग निकले, हम इस व्यक्ति को अवॉइड ही करें, राइट? या तो हम झगड़ते हैं, आइदर वी फाइट और वी फ्लाइट, हम भाग जाते हैं। तीसरा, हमें लगता है वो मैंने तो ऑटोफ्लिंग का प्रोग्राम किया है, मैं तो इतने एडवांस कोर्स कर चुका हूं, मैं तो ऑटोफ्लिंग का टीचर हूं, है ना, मैं तो मेडिटेटर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो सीईओ हूं, मैं तो इतना बड़ा बिजनेस किया, मैं सबसे बड़ा हूं मेरे पूरे फैमिली में, तो मैं कैसे इमोशनल हो सकता हूं? छोड़ दो ये सब कॉन्सेप्ट्स, ये सब कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ड्रॉप ऑल दिस, राइट? ड्रॉप ऑल दिस, हूएवर यू मे बी, यू जस्ट ड्रॉप ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट? एंड फोर्थ, आई टेल यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल विच गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी गिव। सारी नदियों का उगम आप देखोगे ऊंचे ऊंचे स्तरों पर, पहाड़ों में होता है, फिर वो नदियां इतना शोर मचाते हुए बहने लगती है, बहती है, all these rivers, they make so much noise and so playfully, etc., etc. Finally, ये नदी कहां जाके मिलती है, समुंदर में मिलती है। समुंदर कुछ बोलता नहीं है, आओ मुझसे मिलो, नदी खुद ही खींचे चली जाती है। क्यों? Because the sea, the ocean is at the lowest. The ocean is at the lowest. Ultimately, all these rivers which make so much noise, which are so high up above in the Himalayas, in the different mountains, finally they have to go and meet in the ocean. The one who agrees to be the lowest is the strongest and the biggest. The one who agrees to be the lowest is the strongest and the biggest. तो जितना नीचे, तो लो फीलिंग्स है ना आपके, उनसे आप दोस्ती करो, ये लो फीलिंग्स ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपको विशाल बनाने, जो लो फीलिंग्स है। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट। सो व्हेन अ नेगेटिव इमोशन कम्स अप, द फर्स्ट थिंग यू टू एक्सेप्ट, सेकंड थिंग अ वेरी पावरफुल पॉइंट, साक्षी बनो, बी अ विटनेस, स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज दिस इमोशन डूइंग टू मी। हम क्या करते हैं, आई डोंट वॉन्ट दिस इमोशन हैपनिंग टू मी, राइट? व्हाट यू डू, व्हाट इज दिस इमोशन डूइंग टू मी, डोंट आस्क व्हाई इज दिस इमोशन हैपनिंग टू मी, आस्क व्हाट इज दिस इमोशन डूइंग टू मी, ये इमोशन मुझे क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग टू मी। You start observing that. Sakshi bano. Sakshi bano. Become a witness. Right? First you start observing. Okay? Now there are three things here. हम क्या करते हैं?
इमोशन के पीछे आप देखोगे कभी कोई भी इमोशन हो, गुस्सा हो, उसको कनेक्टेड कोई थॉट होता है. नाउ अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, योर जॉब इज गोइंग टू बी इजी. ओके, यू विल बी एबल टू हैंडल द इमोशन. इमोशन कैन नॉट हैंडल यू. दिस इज द साइंटिफिक पार्ट ऑफ इट. या इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस. इमोशन के पीछे एक थॉट है. अगर आपको गुस्सा आ रहा है उसके पीछे एक थॉट है. अगर आपको दुख हो रहा है तो उसके पीछे एक थॉट है. कुछ तो घटना घटी है, वो विचार आ रहा है आपके मन. राइट, अगर आपको जेलेसी हो रही है तो उसके पीछे एक थॉट है. उस थॉट के पीछे वो थॉट कहां से ट्रिगर हो रहा है? कुछ तो घटना घटी है. देयर इज एन इवेंट. सो एन इवेंट हैज हैपेंड इन योर लाइफ और इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. दैट इज ट्रिगरिंग अ थॉट एंड दैट थॉट इज ट्रिगरिंग द इमोशन. That thought is triggering the emotion, right? So first, what you have to do, you have to de-link this emotion, thought, event. इसको आप पहले de-link कर दो. Emotion, thought, event. इसको आप de-link कर दो. और फिर connect कहाँ करना है? The next point, B point. Observe the emotion as a sensation. Observe the emotion as a sensation. आप चेक करो, कोई भी इमोशन है ना, बॉडी में कुछ तो सेंसेशन ट्रिगर करता है. गुस्सा आता है, दिमाग गरम हो जाता है, सेंसेशन यहां होता है. कोई भी पेट पकड़ के गुस्सा नहीं करता. हंसते हैं तो पेट पकड़ के हंसते हैं. कोई भी सर पकड़ के हंसता नहीं है. राइट, तो गुस्से का इमोशन आपको सर में फील होगा. जेलेसी का इमोशन आपको पेट में फील होगा. हंसी का इमोशन आपको पेट में फील होगा. दुख का इमोशन आपको गले में फील होगा. दुख से गला भर आता है. तो यू ऑब्जर्व द इमोशन एज अ सेंसेशन. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दिस आफ्टर यू हैव डीलिंक द थॉट एंड इवेंट. करेक्ट. थर्ड थिंग व्हाट यू डू वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द इमोशन एज अ सेंसेशन. ओ, मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, यू नो, मेरे हाथ देखो शिवर हो रहे हैं. नाउ start observing the emotion as energy, as prana. It is just the play of prana. When it is going up, jab pran shakti aapki upar ki taraf ka pravah ho raha hai, to positive emotions trigger ho rahe hain. Jab pran shakti ka pravah niche ki taraf ja raha hai, to negative emotions trigger kar rahe hain. It's just a play of prana. Agar ye hame samajh mein aa jaye aur isko hum implement kare, to first step accept kiya. राइट, दूसरा स्टेप हम साक्षी बन गए. और साक्षी बन के करना क्या है? ऑब्जर्व करना है. क्या कर रहा है ये इमोशन? मुझे अच्छा, ये इमोशन के पीछे क्या थॉट है? इस थॉट के पीछे क्या इवेंट है? ओके, चलो डिस्कनेक्ट कर लो इवेंट से थॉट को, थॉट से इमोशन को डिस्कनेक्ट कर लो. सेकेंड स्टेप क्या करना है? थॉट से तो डिस्कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट कहां करना है इमोशन? एक जगह से डिस्कनेक्ट किया, कनेक्ट कहां करना है? सेंसेशन से कनेक्ट करो इमोशन. अरे ये इमोशन तो मैं इमोशन 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 बोल रहा हूं, ये इमोशन तो कुछ नहीं है, तो एक सेंसेशन. थर्ड स्टेप क्या करना है? ओ, ये सेंसेशन भी क्यों ट्रिगर हो रहा है? इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ प्राणा इन अ पर्टिकुलर वे. ये प्राणा जब ऐसे बह रहा है तो ये सेंसेशन आ रही, प्राणा जब ऐसे जा रहा है तो वैसा सेंसेशन, उस सेंसेशन की वजह से वैसा इमोशन आ रहा है. राइट, देन द थर्ड स्टेप ऑफ द एक्शन फॉर्मूला इज सरेंडर. अभी आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, स्वीकार कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, साक्षी बन गए. राइट, ये तो प्राणा का खेल है सर. फिर आप डिसाइड करो, ठीक है, अगर आप इस इमोशन से फ्री होना चाहते हो तो क्या करो? फर्स्ट थिंग, ब्रीथ, सांस लो ठीक से. इसीलिए मैंने आपको बोला सुदर्शन क्रिया जरूर सीखना. सुदर्शन क्रिया सीखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना लाइफ की, सांस लेना, ये ठीक हो जाएगा. राइट, तो जब हम सांस का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी इमोशन के परे जा सकते हैं. द ब्रेथ इज अ व्हीकल विच अलाउज अस टू ओवरटेक द इमोशन. राइट, तो सांस जब ठीक से लेते हैं तो इमोशन के परे जा सकते हैं. फर्स्ट थिंग यू ब्रीथ. सेकेंड थिंग, आपको इमोशन से फ्री होना है, यू प्रे टू जहां भी आपकी श्रद्धा हो, किसी भी हायर पावर का आपकी श्रद्धा हो, आप प्रार्थना करो. थर्ड थिंग क्या है? ये इमोशन को मुझे हटाना है, ये भाव नहीं, क्योंकि हम तो स्वीकार कर चुके हैं. यू ऑफर द इमोशन, ऑफर
जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो प्रेम से ऑफर करते हैं, आदर से ऑफर करते हैं, है कि नहीं? हम झगड़ते नहीं है, हम झगड़ते हुए ऑफर नहीं करते, हम झगड़ते हैं तो बोलते हैं निकल जाओ यहां से, गेट आउट. वी आर नॉट टेलिंग द इमोशन टू गेट आउट, वी आर ऑफरिंग द इमोशन टू द हायर पावर, राइट? सो ब्रीथ, प्रे एंड ऑफर. एंड इफ द हायर पावर रिफ्यूजेस टू टेक द इमोशन, then who does it belong to? Then it is still belonging to you, isn't it? अच्छा, बाकी लोग mute पे जा सकते हैं क्या? है ना? ये तो कुछ और अपने participants के कुछ कुछ irritation के emotions trigger हो जाएंगे. Yeah, host can mute all. Right, but now you observe. अभी भी आप observe करो. Emotional resilience सीखने का ये practical situation आया है. इमोशनल रेजिलियंस सीखने का अभी ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आया है. अगर कोई बीच में बात कर रहे हैं, कुछ आवाजें आ रही है और आपको इरिटेशन हो रहा है, भैया कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? इमोशनल अभी कोई कुछ बीच में बात कर रहा है और आपके कुछ इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, राइट नाउ इसको अप्लाई करने का मौका है. ओके, दिस इज हाउ द हायर पावर गिव्स सिचुएशंस इन आवर लाइफ फॉर अस टू लर्न एंड ग्रो. ओके, so what is the first step? A, acceptance. Second step, W, witness, sakshi baro. Third step, S, surrender. KWS is the action formula. Okay, surrender mein teen step kya hai? Breathe, pray and offer. Okay, let's go to the next slide. Now I'm taking you to the fourth step. Fourth step, realize your insignificance. इस पूरे ब्रह्मांड में, इन दिस एंटायर बिग यूनिवर्स, हम किसी भी घटना को इतना महत्व देते हैं, राइट? लेकिन क्या महत्व है उसका? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी इवेंट? हमारा ही क्या इंपॉर्टेंस है भाई इस पूरी सृष्टि में? हम कहां हैं इस पूरी सृष्टि में कुछ पता भी नहीं है, इजंट इट? डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? तो जस्ट लुक इनटू द पास्ट. एक तो अंडरस्टैंडिंग अवर इनसिग्निफिकेंस इन दिस एंटायर कॉस्मोस, इस पूरे ब्रह्म. दूसरा, आप देखो आपके स्कूल डेज को याद करो. आपकी जब वो एग्जाम थी और आप उसमें फेल हो गए, टीचर ने आपको छड़ी से मारा, आपके रिपोर्ट पे ब्लैक वाला मार्क, रेड वाला मार्क आ गया, तो पूरी जिंदगी आपकी उल्टी सीधी हो गई थी, राइट? इट वॉज अ बिग इमोशनल ट्रॉमा इन योर लाइफ. अभी घर पे मम्मी पप्पू कैसे दिखाऊं, क्या करूं, राइट? तभी क्या हुआ, ऐसा लग रहा था इट इज द एंड ऑफ माई लाइफ, राइट? बट नाउ वेन यू लुक एट इट, आपको हंसी नहीं आती. अरे क्या एक छोटी सी वो क्लास टेस्ट के ऊपर में इतना परेशान होता था, राइट? क्या फर्क पड़ा उससे? सो जस्ट लुक इनटू द पास्ट एंड यू विल नोटिस यू हैव आउटग्रोन योर पास्ट, यू हैव आउटग्रोन योर पास्ट, इजंट इट? एंड जस्ट लाफ इट आउट. Just love it, right? Understand one thing, कि अभी जो आप emotions के through जा रहे हैं, अभी जिसको अभी इस problem को आपने एक पहाड़ बना के रखा है, अभी जो आपकी situations को आप blame कर रहे हो, यही situations पे आप एक दिन हंसने वाले हो. तो intelligence क्या है? मैं इसके ऊपर बाद में हंसूं, उससे better ये कि मैं अभी हंसूं. Cannot laugh right now. Breakup. Isn't it? Yeah. जैसे देखो, आई एम श्योर हर एक का लाइफ में एक बार तो ब्रेकअप हुआ होगा. वो जब ब्रेकअप हुआ तो ऐसे लगा पूरी लाइफ ब्रेक हो गई, isn't it? But now when you remember those days, you know there is a naughty smile that comes on your face. क्या ओ क्या मैंने पूरा you know सबको परेशान कर रखा था, खुद को परेशान कर रखा था, isn't it? Now you can just laugh over it. It is just a memory. Yeah, it's no more a trauma, correct? So that's about the insignificance part. Okay, let us go to the next slide. Yeah, it's all a dream. It's all a dream. So ये तीन statement देखो बहुत powerful है. ये जो मैंने लिखा है, it's happening to me. ये मेरे साथ हो रहा है. Or another approach is it's happening for me. ये मेरे लिए हो रहा. एंड यू नो व्हाट इज द इवन बिगर एंड अ मोर मैच्योर अप्रोच, इससे भी बड़ा, इट्स हैपनिंग इन मी.
अष्टवक्र गीता आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ऑल ऑफ यू, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की जो कमेंट्री है अष्टवक्र गीता के ऊपर उसको आप सुनोगे, उसमें एक टॉक है स्टॉर्म ऑफ इमोशंस। उसमें गुरुदेव बताते हैं यू हैव मेड द इवेंट बिगर देन यू, रियलाइज दैट यू आर बिगर देन द इवेंट, तुम इवेंट से बड़े हो ये जान लो, यू आर बिगर देन द इवेंट, राइट, ऑल द इवेंट्स आर हैपनिंग इन यू, यू आर इनफाइनाइट, जो भी इवेंट हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कोई कोविड पॉजिटिव हो रहा है, फैमिली में कुछ डेथ हो रहा है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट्स ऑल हैपनिंग इन यू। व्हेन यू रियलाइज यू आर बिगर देन द इवेंट, देन यू हैंडल द इवेंट, इवेंट डजंट हैंडल यू, इवेंट डजंट थ्रो यू ऑफ बैलेंस, है ना, तुम घटना से बड़े हो। यू नो मेरी वाइफ हीला, उसको एक बार क्या हो गया, लिगामेंट टेयर हो गया, लिगामेंट टेयर हो गया, और you know she was so conscious of her weight, her figure and all those things, and it was the first year of our marriage, yeah, so you can imagine how a lady feels. So ligament tear ho gaya and she was bedridden for almost 3 months, and for 6 months she could not do any physical activity. 15 kilo uska wazan badh gaya, she had become like this, you know, so this was a big emotional trauma for her. बट देन सी, जब आप गुरु से जुड़े हो तो ज्ञान कैसे आपको संभाल लेता है, वही सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी बन गई। पहले इट वॉज वाइज दिस हैपनिंग टू मी, देन इट बिकेम मे बी दिस इज हैपनिंग फॉर मी, एंड देन इट बिकेम इट इज हैपनिंग इन मी, आई एम बिगर देन द इवेंट। सो देन शी डिड सो मच रिसर्च, उसने जुम्बा सीखा, उसने फिटनेस के सर्टिफिकेशन किए, यूके सर्टिफिकेशन, यूएस सर्टिफिकेशन, इंडियन सर्टिफिकेशन, she did the shrishi yoga, you know, training, 30-35 days training, you know, and now she is a fitness coach, she is a weight loss coach, right? So what has come out of it, this knowledge can make us realize, isn't it? Yeah, so it's all a dream, sab sapna hai, right? Ye bhi abhi sapna hi hone wala hai kal subah ya next moment, right? Okay, let's go to the next slide. So अभी तक मैंने 3 points आपको action formula बताया और 2 points knowledge formula बताया, right? Now we come to the 6th point. Don't grumble, just be grateful. Don't grumble, just be grateful. Here I want to tell you my incidents. On 13th of June this year, I was detected corona positive, COVID-19 positive. I had every opportunity to complain. I just felt grateful that maybe ये परिस्थिति लाई है मेरे जीवन में मेरे लिए, मेरे गुरु ही मुझे कुछ सीख देना चाहते हैं इसमें से, right? इसीलिए ये हुआ है मेरे साथ। तो जब हम कृतज्ञ हो जाते हैं ना तो पूरा जीने का तरीका ही बदल जाता है, उस घटना को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। And what I decided, मुझे लगा पता नहीं अभी कोविड पॉजिटिव हो गया, अगर ये बढ़ते गया और मैं अगर थोड़े दिन में मर जाऊं तो, ये थॉट मुझे रोज आता था, व्हाट इफ आई डाई इन अ फ्यू डेज, व्हाट इफ दिस कोरोना वायरस कंप्लीटली कैप्चर्स माय लंग्स एंड आई डाई, आई एम फिनिश्ड। सो आई डिसाइडेड जो भी मेरे थोड़े भी दिन बाकी है मैं कुछ तो सेवा करके जाऊं। VTP प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम आई केप्ट टीचिंग व्हाइल आई वाज इन द हॉस्पिटल, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द आर्ट, जो व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है, इतना मजबूत। एंड यू नो मैंने क्या रियलाइज किया, वो VTP प्रोग्राम सिखाते सिखाते मैं ही मजबूत होते जा रहा था, फिर वो कोरोना जस्ट बिकेम अनदर इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ, राइट? और लोगों को सक्षम करने की जब मैंने जिम्मेदारी ली VTP के द्वारा, पूरा गुरुदेव का डिजाइन है, इतना पावरफुल डिजाइन है, कोई भी आदमी उसमें से मजबूत हो ही जाता है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जैसे मैं वो प्रोग्राम सिखाते जा रहा था मैं खुद मजबूत होते जा रहा था, राइट? सो व्हेन यू आर ग्रेटफुल द होल सिनेरियो चेंजेस, या एंड आई वुड स्ट्रॉन्गली रेकमेंड, जब ये कंप्लेंट आता है आपके मन में, आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति, अगर कंप्लेंट आ रहा है वो कंप्लेंट को आप ट्रांसफॉर्म कर दो इंटू ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, राइट? और सेवा करो, मेक अदर पीपल हैप्पी, make 2 people happy every day, I tell you the whole situation will change in your life.
And the last point of our 7-point recipe for bulletproof emotional resilience. Ask yourself, is it real? I would strongly recommend, ऐसे मैंने आपको recommend किया अष्टावक्र गीता, मैंने आपको strongly recommend किया आप सुदर्शन क्रिया जरूर सीखना, मैंने आपको strongly recommend किया आप art of living का volunteer training program जरूर करना, right? My fourth recommendation to you, read the scripture Yoga Vasishtha. जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वो है भगवत गीता, जो श्री जो ऋषि अष्टवक्र ने ज्ञान राजा जनक को दिया वो है अष्टवक्र गीता, वैसे ही जो ऋषि वशिष्ठ ने ज्ञान श्री राम को दिया वो है योग वशिष्ठ. Until you realize ये क्या है लाइफ, you know, it's just a joke, it's a play and it's an illusion. If you start, you know, गुरुदेव ने बहुत सुंदर कहा था, the ignorant make even a game like a war, and for the wise, even a war is a game. For the ignorant, जो अज्ञानी है, वो एक खेल को भी युद्ध बना देते हैं. इंडिया पाकिस्तान मैच होती है तो लोग युद्ध बना देते हैं उसका, right? यूरोप में फुटबॉल मैचेस चलती है तो उसका युद्ध बन जाता है, मारपीट हो जाती है. तो जो अज्ञानी है वो क्या करता है, वो एक खेल को भी युद्ध समझ बैठता है. लेकिन जो ज्ञानी है वो युद्ध को भी खेल ही समझता है. तो जो भी बैटल हम फाइट कर रहे हैं हमारे जीवन में ना, वो एक खेल है, इट्स अ प्ले एंड इट्स एन इल्यूजन. सो जस्ट चिल. गुरुदेव श्री रविशंकर का एक कोट है, देयर इज नथिंग वर्थ बीइंग सीरियस इन दिस लाइफ, वॉक लाइटली लाइक अ क्लाउड, जस्ट वॉक लाइटली लाइक अ क्लाउड एंड देन you will realize there is nothing like emotional resilience. Emotions ko handle karne ke liye strength ki zarurat to tab padegi na jab aapko emotions se fight karna hai, joojhna hai. Emotions se fight kisko karna hai? Aapko emotions se fight karna hi nahi hai. Right? It's all a play. Just accept. Right? First point, accept. Correct? Second, विटनेस, स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट इमोशन, ये क्या कर रहा है मुझे, ये विचार से जुड़ा हुआ है इसको हटा दो, राइट, इस घटना से जुड़ा हुआ है ये डीलिंक कर दो, फिर उसको ऑब्जर्व करो, अरे ये तो एक सेंसेशन है इन द बॉडी, फिर पता चलता है अरे ये तो प्राण शक्ति का फ्लो है, बस एनर्जी बह रही है बॉडी में, वही इमोशन. और तीसरा फिर उसको सरेंडर कर दो, जस्ट ब्रीथ, प्रे एंड ऑफर द इमोशन, राइट. फोर्थ, यू रियलाइज your insignificance, your insignificance and the insignificance of these different events in your life. 5 साल बाद, 20 साल बाद आप हंसने वाले हो इसी इवेंट के ऊपर, correct? And then know that it's all a dream. Fifth point, know that it's all a dream, right? Listen to Gurudev's talks on the Ashtavakra Gita again and again, and this will become a reality in your life. This dream will become a reality in your life. Yeah. And of course, study the scripture Yoga Vasishtha. You will realize it's a play, it's an illusion, it's a game. Yeah. So don't grumble. Sixth point, don't grumble. Be grateful. Be grateful, and your whole pura drishtikon badal jayega aapka. Usi event ko dekhne ka pura nazariya hi badal jayega. Aap auron ko samarthan de paoge usme. Auron ko saksham bana paoge usme. And the seventh point, is it real? What is reality? Ye inquiry zaruri hai life. And that is why, you know, when you are a meditator, ye inquiry aap kar paoge life mein. Dhyan karna zaruri hai. Right? Start meditating if you have not already started. If you have not already started, start meditating. Right? Now, Bruma, if anybody has questions, if somebody has posted any questions, you can just read out. We have kept the chat box open now, so those who have questions, please put up here. Maybe just for 10 minutes, we can take 3 or 4 questions. So the first question has come up here, what is prana? Prana is...
जो तुम्हारे मरने में तुम्हारे में नहीं रहेगा वो तुम्हारा प्राण है. रिपीट द क्वेश्चन लाउडली फॉर यूट्यूब. व्हाट इज प्राण? एक डेड बॉडी में प्राण नहीं होता है, एक अलाइव बॉडी में प्राण होता है. तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमको जीवंत रख रही है, इजंट इट? तो वो एनर्जी को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये प्राण शक्ति जो है ये कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, कैसे हम इसको डायरेक्शन दे सकते हैं. तो प्राणायाम करते हैं तो प्राण क्या है इसका ज्ञान होने लगेगा. या नेक्स्ट. प्लीज एक्सप्लेन सरेंडर एंड प्राणा बोथ. प्राणा तो हो गया, सरेंडर मतलब जब आप रात को सोते हो तो क्या करते हो? सरेंडर करते हो ना. आपको पूरी गारंटी होती है आप वहीं उठोगे नेक्स्ट डे सुबह? आपको कुछ पता है कि आसपास क्या हो रहा है जब आप सो रहे हो? नहीं. तो भी आप चैन से सो रहे हो ना, कोई आपको उठा के ले गया तो, यानी कि आपने समर्पण कर दिया कि नहीं? आप समर्पण नहीं करोगे तो आप सो ही नहीं पाओगे. तो जब समर्पण की कमी होती है ना तो उन लोगों को नींद नहीं आती. समझ रहे बात को? आपको ये भी नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है जब आप सो रहे हो, राइट? तो भी आप आराम से सो रहे हो, isn't it? So that is surrender. That is surrender. If somebody is taking care, that is surrender, isn't it? Yeah. What next? There are so many questions coming up. How to convert fear into positivity? जिस घटना से आपको डर लग रहा है ना उसको आप प्रेम करो. Fear is nothing but the opposite of love. Love standing upside down is fear. प्रेम को उल्टा कर दो तो डर चला जाता है ना. देखो गाने भी होते हैं ना ऐसे, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार, isn't it? जो प्यार करता है वो डरता नहीं है, है कि नहीं? तो जिस चीज से आपको डर लग रहा है पहले तो आप उसको प्रेम करो. ये आपके हाथ में है, इज योर चॉइस. सब पॉजिटिव हो जाता है. There's a question on YouTube. Sir, where do I find all the scriptures you suggested? Where do you find all the scriptures? You just, you can download the Art of Living app. तो उसमें आपको गुरुदेव की कमेंट्री ऑन भगवत गीता मिल जाएगा, गुरुदेव की कमेंट्री ऑन अष्टावक्र गीता भी मिल जाएगा. ऑडियो बुक्स सर, राइट? एंड योग वशिष्ठा इज अ बुक दैट यू कैन परचेस, राइट? शायद ई बुक भी हो सकता है अगर आपको फिजिकल नहीं पढ़ना है तो. योग वशिष्ठा इज ऑल्सो कॉल्ड इन इंडिया, द पब्लिकेशन इज कॉल्ड एज द सुप्रीम योगा. योग वशिष्ठा इज अवेलेबल इन यूएस. अब देखो अमेरिकन्स कितने, अमेरिकन्स देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने योग वशिष्ठा को कॉपीराइट कर दिया. जो अल्टीमेट नॉलेज है, हाईएस्ट नॉलेज जो है इस यूनिवर्स को मिला हुआ, जो हाईएस्ट नॉलेज है योग वशिष्ठा. आपको पता है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर रोज योग वशिष्ठा पढ़ते हैं, उनको तो कोई जरूरत नहीं है. बट ही ऑल्सो रीड्स दिस स्क्रिप्चर एवरी डे, एवरी आफ्टरनून 30 मिनट्स उनका स्टैंडर्ड रूटीन है योग वशिष्ठा पढ़ना, राइट? दैट इज द हाईएस्ट नॉलेज. तो योग वशिष्ठा आई टेल यू, आपको रियली लाइफ को समझना है, योग वशिष्ठा इज मैंडेटरी. हाँ, या यस, समवन हैज आस्क्ड, इन स्ट्रेस, जब पूरी तरह स्ट्रेस में होते हैं तो सारा नॉलेज गायब हो जाता है, करेक्ट? इसके लिए तभी सरेंडर करना है. सरेंडर यू फर्स्ट योरसेल्फ टू द ब्रेथ. जब आप सुदर्शन क्रिया डेली प्रैक्टिस करते हो तो उसमें क्या होता है, वी आर सरेंडरिंग आवरसेल्फ टू द ब्रेथ. व्हाट इज सुदर्शन क्रिया? ये जो सांस की लय है उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, यही सुदर्शन क्रिया है. वो कैसे करना है उसको तो ठीक से सीखना पड़ेगा, सुदर्शन क्रिया कैसे करनी है. अगर आपने सीखा है तो जब आप सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हो आप वो समर्पण का भाव रखो, आपका पूरा अस्तित्व जो कुछ भी हो रहा है, भावनाएं, विचार है, सब कुछ आप सांस की लय में समर्पित करते जा रहे हैं, राइट? फिर आप देखो कोई स्ट्रेस नहीं टिक सकता. यस, व्हाट एल्स? इफ एनीथिंग इज इन लाइफ इज नॉट हैपनिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
then what? There are a lot of aspects to this. Now, how are you trying to achieve this? Ye sab dekhna padega uske liye, hai na? Maybe that calls for another session. Okay, next. It is hard to control anger and any emotion. How do I control? करना ही नहीं है. अभी सेशन में क्या सीखा भाई? पूरा रामायण हो गया. आप पूछ रहे हैं राम और सीता, राम सीता के कौन थे? कंट्रोल नहीं करना है, झगड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, फाइट नहीं करना है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट नहीं करना है, है ना? फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट करना है, फिर आगे का सब होते जाएगा. ये 7 points आप ठीक से याद रखो, राइट? हाँ, अदर सेशन भी करेंगे डेफिनेटली. एवरी सेकेंड संडे ऑफ द मंथ 8:50 AM टू 9:50 AM अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे सेशंस होते रहेंगे. पिछले महीने में हमने एनर्जी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट इसके ऊपर सेशन किया. अभी हमने इमोशनल रेजिलियंस किया. नेक्स्ट मंथ सेकेंड संडे सेम टाइम 8:50 to 9:50 टू अदर सेशन. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस मिली रुमा. सो how to comfort people who have lost their financial support in COVID? See, comfort, आप लोगों को सहानुभूति देके उनको एक्चुअली कंफर्ट नहीं दे सकते. ये हम बिचारा बिचारा करते हैं ना औरों को, इसमें हम व्यक्ति को और कमजोर बना देते हैं. द रियल कंफर्ट, यू नो, गुरुदेव एक टॉक दे रहे थे, आई थिंक स्वीडन में या जर्मनी में. उसने गुरुदेव बोला था, यू लुक फॉर अ कंफर्टेबल सोफा टू सिट ऑन, राइट? यू वॉन्ट अ कंफर्टेबल काउच. You know what is the biggest comfort? The most comfortable couch in life is knowledge. Gyan. Knowledge is the biggest comfort. So, jiska kuch bhi loss hua ho, financial loss hua ho, relationship loss hua ho, physical loss hua ho, kuch bhi loss hua ho, knowledge hi unko mazboot bana sakta hai. Right? Auto healing ke programs, advanced meditation program karo baar baar. So, knowledge क्या है पता चलने लगेगा, और वीटीपी करोगे तो नॉलेज डाइजेस्ट होने लगेगा, क्योंकि अनडाइजेस्टेड नॉलेज डेंजरस हो सकता है, राइट? या ओके, लास्ट क्वेश्चन. हाउ टू फ्री योरसेल्फ, हाउ टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम हैडिंग्स, राइट? हां, व्हेन द सिचुएशन अराइजेस, द चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, देन ऑल द नॉलेज मूव्स फॉर स्पेंडिंग इज ऑफ ज्ञान काम में. ओके, देन क्या? Exactly. Challenging situation जब आती है तभी सारा knowledge goes for a toss, है ना? तभी कुछ ज्ञान याद नहीं आता. ये किसको होता है जो ध्यान नहीं करते उनको? आप सुदर्शन क्रिया रोज प्रैक्टिस करोगे और सुदर्शन क्रिया पूरी होने के बाद आप मेडिटेशन करोगे, सहज समाधि मेडिटेशन करो, या वो नहीं किया है कोई और मेडिटेशन करो. गुरुदेव के इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन है. गुरुदेव अभी 21-day चैलेंज में मेडिटेशन करा रहे हैं, राइट? आप वो प्ले करो, मेडिटेशन करो. उसका फायदा क्या है? देखो क्या होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, फिर कुछ समय बीत गया, उसके बाद आपको पता चला, अरे मैंने इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए था. लेकिन अभी क्या हो गया है, एक गैप आ चुका है, बहुत समय बीत चुका है, राइट? ऑलरेडी डैमेज हो चुका है. जैसे आप मेडिटेट करोगे, सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली आप अगर एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करते हो, राइट? एंड व्हेन यू डू द वीटीपी प्रोग्राम, नॉलेज स्टार्ट्स गेटिंग डाइजेस्टेड. तो क्या हो जाता है, ये गैप क्लोज होने लगती है. कोई चैलेंजिंग सिचुएशन घटती है, थोड़े ही समय में आपको रियलाइज होता है, फिर क्या होता है, ये गैप भी क्लोज हो जाता है. चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है और आपको उसी वक्त पता चल रहा है, ओ, इसको मैंने ऐसे हैंडल करना चाहिए. वेट वेट वेट, आई शुड नॉट गेट एंग्री एंड रिएक्ट राइट नाउ. मुझे थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए, कंपोज हो जाना चाहिए. ये गैप क्लोज होने लगता है. व्हाट डज मेडिटेशन डू? मेडिटेशन क्लोजेस दिस गैप ऑफ सिचुएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज. सो देन व्हाट हैपेंस, इन द सिचुएशन यू रियलाइज द नॉलेज, एंड देन व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट मेडिटेटर, कंटिन्यू द प्रैक्टिस, इट ओवरफ्लिप्स. आपको ज्ञान पहले ही आ जाता है, एंड जस्ट सिचुएशन आती है
और आप तैयारी बैठे हो, अच्छा सिचुएशन आ रही है, आई एम रेडी, ये ले. आई टेल यू दिस, आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, राइट? ओके, सो विद दैट एंजॉय योर संडे. क्वेश्चंस तो चलते ही रहेंगे, कुछ बाकी के सेशंस के लिए भी रखते हैं, है ना? और आप अगर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर चुके हो तो आज शाम को मैंने स्वामी वैशंपन जी को इनवाइट किया है 5 से 6 बजे. ही इज गोइंग टू शेयर विद अस द 7 सुपर मंत्रास फॉर एन एम्पावरिंग लाइफ. द 7 सुपर मंत्रास फॉर एन एम्पावरिंग लाइफ. जो भी आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम कर चुके हैं उनके लिए ये सेशन है शाम को 5 से 6 बजे. You are most welcome to attend that. Yeah, there is the poster of that, and the link will be shared maybe on Zoom ke chat pe aap link share kar do. And thank you very much all of you for participating. I am grateful to you for your participation. Aap log participate karte ho to mujhe mauka milta hai kuch karne ka, right? Aur ye session aapke liye present karne ke liye na mera hi abhyas aur acha hote rehta hai. So I am very grateful. कि आप इतने सिंसियरली सीखने आते हो, इसमें मैं ही सीखते जा रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ब्रूमा, थैंक यू नितिन, थैंक यू पुलकित, ऑल द आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हैव अ वंडरफुल डे. और आज जैसे बोला ना, आज 12:15 से वो 1 घंटे का स्लॉट है हमारे पास, आई थिंक 11:50 AM से लेके 12:40 PM, 50 मिनट्स. कुछ तो शुभ संकल्प करो इस समय में, वो फलित हो जाएगा. कुछ तो शुभ संकल्प करो, स्टार्ट समथिंग न्यू, डू समथिंग नाइस. यस, ओके. जय गुरुदेव, विश यू ऑल द बेस्ट. जय गुरुदेव.